गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख लोगे। सो टुडे वी आर एट हीलर एविएशन म्यूजियम। ये एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे जो यहाँ पे यूएस में जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट था उसका डेमो है, और लेट्स सी अंदर क्या है। हम यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं। वैसे मुझे तो कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। अव्यान और अंशुल को थोड़ा सा था कि ये म्यूजियम देखना है, और आज हम थोड़ा सा बोर भी हो रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना यहीं विजिट करते हैं। सो लेट्स सी अंदर क्या देखते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड दिस इज लोकेटेड इन सैन मैटियो काउंटी। सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम सैन होसे टू सैन फ्रांसिस्को, तो ये मिडिल में आता है। तो जब भी हम ऐसे कुछ आते तो हम सोचते हैं यार ये क्या होगा, तो आज ये विजिट करते हैं। सो देयर इज अ एंट्रेंस फी फॉर एडल्ट्स, इट $18, एंड फॉर द चिल्ड्रंस बिलो 5 इट्स फ्री। और एंट्रेंस पर एक बहुत अच्छी सी शॉप थी। सो दिस इज फर्स्ट नेवल एविएशन। ये जो है वो फर्स्ट नेवल एविएशन का रेप्लिका बनाया गया है। And this is discovered by Eugene Ely. This is first electric car. और इसकी जो price थी 1901 में, year 1901 में, वो थी $1850. And this is the first heaviest glider. And this is just a replica. और ये जो है normally जो helicopters या जो भी क्या बोलते हैं एरोस्पेस व्हीकल्स होते हैं, वो एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल होता है वैसे होते हैं। उनके जो विंग्स हैं वो इस टाइप हॉरिजॉन्टली होते हैं, बट दिस इज़ ये जो पहला है ये वर्टिकली फ्लाई करेगा। इसके जो विंग्स या जो भी बनाया गया है वो अपसाइड है, इन अ वर्टिकल पोजिशन। व्हाट आर यू फ्लाइंग? सो दिस इज़ द हीलर कॉप्टर। ये जो हेलीकॉप्टर है वो डिज़ाइन किया गया है स्टैनली हीलर ने जब वो 19 ईयर ओल्ड थे। तो और जिस जो ये म्यूजियम के फाउंडर हैं, एंड दिस इज़ द लाइव ट्रैकिंग ऑफ ऑल द फ्लाइट्स इन द वर्ल्ड। This is the solo flying vehicle. Wow. और आउटसाइड वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी थी। वहाँ पर जो ग्लाइडर्स थे और जो भी छोटे वाले फाइटर प्लेन्स थे उन वो टेक ऑफ और लैंडिंग हो रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर देखना। And this is the cockpit. तरीके से डिजाइन किया गया है सारा कुछ, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन वाली डिजाइन में है। हमारा प्लेन तो क्रैश हो गया है, मेरा और अव्यान का। लेट्स सी अंशुल कैसे फ्लाई करते हैं। ओहो, इनका क्या हुआ? This is our native place. Yes. Khargone. And the one, the white colored house is ours. Is ours.
सो वी आर डन विद द म्यूजियम. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब ठीक ठीक था. पर अगर आपको इंटरेस्ट है लाइक एरोस्पेस व्हीकल्स में और एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री में, तो आप ज़रूर विजिट करिए. और मुझे वहाँ की ना शॉप बहुत अच्छी लगी, वहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज थे. और ये देखिए अभियान ये लेके आया, अभियान बताओ आपका, ये पुलबिक एरोप्लेन, सारी डेटा एयरलाइंस और सबके, जैसे डेल्टा एयरलाइंस के भी जैसे बोइंग अलग अलग होते तो सारे उसके डेमो होते, तो बड़े अच्छे लग रहे थे. मतलब काफ़ी अच्छी शॉप थी. और मतलब हाँ, कॉकपिट में बैठना, दैट्स न्यू थिंग, क्योंकि आप नॉर्मली नहीं देख पाते हो कि कॉकपिट कैसा होता है, उसमें बैठ मतलब उसमें बैठ के को फील करना, तो वो अच्छा था. तो आप विजिट कर सकते हैं. और बस मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ. तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तब तक आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.